गाइज आज मैं आपके साथ महिला यूनिट प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अक्सर छोटी मोटी प्रॉब्लम से लड़ते रहती है, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होता, इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो मन ही मन कूदते रहती है और खुद को गिल्टी फील करती है, लेकिन किसी से शेयर नहीं करती। तो ये वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य है कि उन महिलाओं को इन सब चीजों की ये जो भी है यूनि प्रॉब्लम की जानकारी उन तक पहुंच सके। महिलाओं को यूनि की साफ सफाई के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह होती है जिसके कारण यूनि संक्रमण से संक्रमित होना पड़ता है। यूनि में होने वाली सूजन को वेजिनाइटिस कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप यूनि डिस्चार्ज, यूनि में खुजली और दर्द होता है। ये संक्रमण कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये उन महिलाओं को ज्यादा होता है जो महिला अक्सर यौन क्रिया के लिए सक्रिय रहती है, और कभी कभी एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी जीवाणु बढ़ जाते हैं और ये क्रिया संक्रमण क्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसके और भी कई कारण है, जैसे कि हार्मोन्स में बदलाव गर्भावस्था के दौरान या फिर मधुमेह के समय योनि में सूजन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कुसुमांजलि हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और मैं हूं अंजलि। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में दिख रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलते रहे सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि इसके योनि में सूजन होने के लक्षण क्या है। योनि और वल्वा के चारों तरफ खुजली, सूजन और जलन होना, वल्वा के आसपास दर्द होना, सेक्स के दौरान दर्द होना, बार बार पेशाब लगना, पेशाब के दौरान दर्द होना, योनि डिस्चार्ज होना, योनि में यीस्ट संक्रमण होना आम बात है। ये संक्रमण कैंडिडा नामक फंगस प्रजाति के कारण होता है। कैंडिडा योनि में प्राकृतिक रूप से कम संख्या में मौजूद होते हैं, जो हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी कारण संख्या में बढ़ जाते हैं तब योनि संक्रमण का कारण बनते हैं। आमतौर पर महिला के गुप्तांग पर स्वास्थ्य प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, जिनसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश बुरे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है और इस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे खुजली, सूजन, जलन और बदबूदार डिस्चार्ज होना। डाइक्रोमोनियसिस नामक संक्रमण यौन संचारित है और ये संभोग के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति में जाता है। यौन संचारित रोग भी अक्सर महिला को योनि की खारिश और दूसरे लक्षण होने की समस्या होती है। कुछ यौन गुप्त रोग होते हैं जिनके कारण प्राइवेट पार्ट में खुजली होना आम बात है। हर्पिस एचएसवी द्वारा फैलाया जाता है। इसमें गुप्तांग के आसपास दाने और घाव हो जाता है और पीड़ित को जलन, दर्द और काफी तेज खुजली होती है। दोस्तों अब आप जान ही गए होंगे कि महिलाओं को प्राइवेट पार्ट की सफाई करनी क्यों जरूरी है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में मुझे निसंकोच पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।